हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह पत्रकार वार्ता चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के धुरंधर नेता गुलाब नबी आजाद, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, पवन कुमार बंसल व पवन मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं मैनिफेस्टो जारी करते समय क्या बोले सभी मौजूद नेता। सारी साइड सर, छोटा सा भी साइड, सारी साइड सर, छोटा सा, थैंक यू सर। वर्क का ख्याल रखा गया। हमारे देश की लोकसंख्या का आधा हिस्सा हमारी बहनों, बहु बेटियों, माओं पर निर्भर है, उनका विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, समाज में उनका कैसे मान सम्मान हो, और सर्विस में और राजनीति में, दोनों में किस तरह से हमारी बहु बेटियों और माओं बहनों को बराबर का हिस्सा। और जनता कहती है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, अपराध की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आज देश भर में हरियाणा अपराध के नाम पर टॉप पर माना जाता है, खास तौर से महिलाओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 36% अपराध बढ़े हैं, रेप केस 42% बढ़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा में क्या हो रहा है। कितनी बार यहाँ पर हरियाणा जला, 3 बार आर्मी बुलाई गई, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी आपने पंचकुला में देखा, आपने बरवाला में देखा, और ये पहली बार हुआ है कि पुलिस की गोलियों से 80 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये इनका सुशासन है। वह राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बहन शैलजा जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन किरण जी, हमारे साथी पवन बंसल जी, पवन खेड़ा जी, आफ्ताब जी, सुरेश गुप्ता जी व उपस्थित सभी मेरे पत्रकार साथी व छायाकार साथी। देखिए, जो ये संकल्प पत्र लिखा है, उसके लिए मैं किरण जी को और सभी सदस्यों को और सारे कांग्रेस के अध्यक्ष को और सारे वरिष्ठ जितने कांग्रेस हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही ऐसा संकल्प पत्र लिखा है जो हर वर्ग को और हर समस्या को उजागर करता है, चाहे वो सिंचाई है, चाहे बिजली है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे शहरी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग का इन्होंने किया है। बातें सारी शैलजा जी ने पूरी तरह सारी एक्सप्लेन कर दी, मैं समझता हूँ रिपीट करने की जो भी मुख्य मुख्य आपने बातें कह दी, मैं समझता हूँ उसकी रिपीट करने की जरूरत नहीं, और सब ने पढ़ भी ली होंगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो संकल्प पत्र है वो इन नटशेल जो है हरियाणा को एक जो है सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित हरियाणा बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारी PCC की अध्यक्षा सीनियर नेता कुमारी शैलजा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहिबान गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे CLP लीडर हुड्डा साहब, पवन जी मेरे साथ रहे हुए जिन्होंने बड़ी मेहनत करी, सुरेश गुप्ता जी, आफ्ताब जी और पवन जी यहाँ बैठे हैं, सभी यहाँ पर आए हुए पत्रकार भाइयों और सारे पत्रकार भाइयों, माफ़ कीजिएगा मेरा गला बिल्कुल ख़राब है,
बुरा हाल हो रहा है मेरे गले का बोल बोल कर। आज आप सबको मैं यहाँ वेलकम करती हूँ और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये संकल्प पत्र जो है, जो हमने बनाया है, ये बड़ी मेहनत के साथ बनाया। हज़ारों लोगों ने हमारे पास अपने अपने सुझाव भेजे, हर वर्ग ने हमारा अपने पास सुझाव भेजे, शैलजा जी ने, सब ने, सभी नेताओं ने इसमें पूरी की पूरी अपनी शिरकत दी। और सच्चाई ये है कि क्योंकि समय थोड़ा था, चुनाव सामने था, 6-6 घंटे हमने बैठकर इसके ऊपर मगजमारी कर एक एक सुझाव के ऊपर कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, क्या है जो नहीं कर सकते। क्योंकि कांग्रेस जो है, जो वायदा करती है वो वायदा पूरे करने वाले होते हैं। बीजेपी का आपने देखा एक जुमला पत्र था, 154 वायदे थे, उन 154 वायदों में से एक भी वायदा पूरा ये नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारा जो संकल्प पत्र है, और जिसको हमने कहा है संकल्प हमारा खुशहाल हरियाणा, आज हरियाणा के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं पिछले 5 साल के अंदर, बड़े विख्यान से शैलजा जी ने बताया, गुलाम नबी जी ने बताया, हुडा साहब ने बताया कि आज जो हालात, हर वर्ग जो है त्रस्त, बुरे हाल हो चुके हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।